नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनिल। वेलकम टू माय चैनल जीवन ओ। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे हेल्दी टिप्स में गवा यानी पेरू। जी हाँ, इस पेरू में बहुत सारा खनिज तत्व, हम औषधि के बारे में बहुत सारा खनिज होता है इसमें, बहुत सारे औषधि होते हैं। तो चलो दोस्तों, हम ये शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। ये दवा खाने के लिए आपको चाहिए दिन में। जी हाँ, ये बहुत ठंडा रहता है। आप 10 बजे से शाम को 5 बजे तक ये कभी भी खा सकते हैं। लेकिन आप जब ठंड के मौसम में खाएंगे तो इससे आपको तकलीफ होगी, आपको होगा जुकाम, सर्दी होगी। जी हाँ, और दूसरी बात यह है कि ये फल, ये पेरू, ये गवा बिल्कुल ठंडा रहता है। अगर आप ठंड के मौसम में खाएंगे या जब ठंड होगी वह उस वक्त खाएंगे तो आपको उसके परिणाम भोगने पड़ेंगे। लेकिन इसके अच्छी बात हम बताएंगे। तो दोस्तों, इसमें अच्छी बात यह है कि आप जब ये पेरू खाएंगे तो दोस्तों, इसको आपको मिलेगा जीवन सत्व में विटामिन ए, बी, सी। ए से आपको मालूम होता है कि आंखों की रोशनी तेज होती है। बी से आपको बहुत सारा शरीर को चाहने वाला विटामिन मिलता है। सी को भी आप जानते हैं अच्छी तरह से, हमने बहुत सारे वीडियो में बताया है। आपके हड्डियों में, आपको मांसपेशियों में ताकत मिलती है। जी बिल्कुल, इसमें होता है, हमारे जो एसिडिटी होती है वह एसिडिटी दूर करने वाला औषधीय गुण इस पेरू में होता है, इस गवा में होता है। इससे हमारी एसिडिटी कम हो जाएगी। अगर हम इसे वक्त से खाएंगे तो हमारी एसिडिटी बंद हो जाएगी। और दोस्तों, इसमें होता है जो हमें हड्डियों में कभी कभी दर्द होता है उसे वात कहते हैं। जी हाँ, हमें 3 प्रकार के रोग होते हैं, कफ, वात और एसिडिटी। तो इससे वात हो सकता है, ये वात जिसको भी है वो ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, आप इसके औषधि गुण का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इससे और महत्वपूर्ण ऐसी बात है कि ये हमारे ब्रेन को एकदम तेजी देता है। हमारा ब्रेन एकदम सुपर फास्ट जैसा हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। हमारे चेहरे के लिए ये गवा बहुत ही अच्छा होता है। हमारा चेहरा निखर जाता है, हमारे चेहरे पर एकदम तेज आता है। जी हाँ, ये बात आप ध्यान में रखिए। इस गवा से हमें जो बदहजमी हो जाती है, हमें खाना हजम नहीं होता, तो आप इस पेरू को खाएंगे, इस गवा को खाएंगे तो आपकी जो तकलीफ है बेहजमी की वो दूर हो जाएगी और इससे आपका जो पाचन क्रिया है वो सबसे अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन आप इसे ठीक तरह से यूज़ कीजिए, ठीक तरह से खाइए तो आपको जो भी तकलीफ है वो ठीक हो जाएगी। और दोस्तों, इसके बारे में हम और बातें करेंगे कि इससे हमें जो भी प्रॉब्लम होती है, जो हमें हमारा पेट बहुत सारा ऐसा बलून जैसा हो जाता है, जी हाँ, हमारा पेट भरत बलून जैसा हो जाता है, वो बिल्कुल साफ हो जाता है। पेट में जो दर्द होता है वो भी ठीक हो जाता है। और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह से होता है। तो दोस्तों, इस गवा को आप सिर्फ दिन में खाइए, ठंड के मौसम में मत खाइए। आपको उससे कब भी हो सकता है, जो आपकी छाती जाम हो जाएगी आप ठंड के मौसम में खाएंगे तो ये बात आप ध्यान में रखिए और इसका सही इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों, हम अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। उससे पहले आप ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, हम अगले वीडियो में